नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने ऑनलाइन संस्थान परीक्षा प्लस में। मैं आलोक शुक्ला आज आपके लिए बहुत ही जरूरी सेशन लेके आया हूँ। कहीं ना कहीं आप लोग लगातार कॉल करके मैसेज करके पूछ रहे थे, सर यूपीपीसीएल एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट की एक बहुत ही बेहतरीन स्ट्रेटजी बता दीजिए, हम तैयारी कैसे करें, क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है। तो ये तमाम जानकारी लेके आपके लिए सेशन में लेके आया हूँ। यदि आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लो, क्योंकि सारी इंपॉर्टेंट जो आपको यहाँ पे इंफॉर्मेशन मिलनी है यूपीपीसीएल एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट की, फॉर्म भरने से लेके आज 19 तारीख है, तो 19 तारीख से फॉर्म आज आपका स्टार्ट हो गया है, और फॉर्म भरने से लेके आपके लास्ट स्टेप तक सिलेक्शन कैसे लेना है, ज्वाइनिंग तक, ये टीम परीक्षा प्लस आपके साथ रहती है, और जिसमें आपके लिए प्रॉमिस कर लेती है उसमें हमेशा, जैसे पूर्व में बहुत सारी वैकेंसियों के साथ हमने किया है, और इस वैकेंसी में भी अगर जिम्मेदारी ले ली है तैयारी कराने की, तो बहुत जबरदस्त तरीके से हम इसे फिनिश भी करेंगे। तो आज के सेशन में आपको बता दूं क्या इसमें हम लोग पूरा चर्चा करने वाले हैं। तो जो चर्चा का विषय है इस पूरे सेशन में, आपका सबसे बड़ी बात तो स्ट्रेटजी होगी कि तैयारी कैसे शुरू करें, बाकी इससे रिलेटेड मैंने सारी इन्फॉर्मेशन, फॉर्म कैसे भरना था और आपके जो बेसिक डाउट्स थे, चाहे टाइपिंग को लेके, चाहे पेपर कब होगा, उसके मार्क्स को लेके, उसके कट ऑफ को लेके, सारे कितने ड्यूरेशन होगा, सब कुछ मैंने बता दिया है। लेकिन इसके बाद भी आपके कोई प्रश्न होते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में हमसे वो पूछ सकते हैं, उन एक एक प्रश्न का जवाब दिया जाएगा या उसकी अलग से वीडियो भी बना दी जाएगी। तो इसमें हम लोग कवर करेंगे सबसे बड़ी बात कि अंग्रेजी के लिए सबसे ज़्यादा परेशान हो, 55 क्वेश्चन की अंग्रेजी आ रही है और अंग्रेजी में सबसे ज्यादा परेशानी आपको हो रही है। और दूसरी बात, कंप्यूटर क्योंकि क्वालिफाइंग है, पार्ट वन अगर कंप्यूटर में ही पास नहीं हो पाओगे तो पूरी कॉपी चेक नहीं होगी। तीन चरण इसके हैं और तीनों चरण अपने आप में कहीं ना कहीं बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सारी बारीकियां जानना है और यह भी जानना है कि एग्जाम पैटर्न के साथ साथ सिलेबस क्या है, क्योंकि सब कुछ तो पता चल जा रहा है, नोटिफिकेशन बहुत छोटा है, उसमें ना तो सिलेबस के बारे में कुछ बताया है ना ही पूर्ण जानकारी दिया है। तो सारी जानकारी के लिए जो अभी डिस्क्रिप्शन में लिंक लगी उस वीडियो में भी देख सकते हो। हम लोग इसमें स्ट्रेटजी की बात करते हैं, क्या हम लोग कवर करेंगे, कौन सी किताबें होनी चाहिए, कोचिंग क्या होनी चाहिए, नोट्स कैसे होने चाहिए, टेस्ट कहां से देना है, और सबसे जबरदस्त फॉर्मूला कि इस एग्जाम को क्लियर करने के लिए बहुत बेहतरीन फॉर्मूला जो शायद किसी को नहीं पता है, वो हम लोग यहां पे चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले तो मैं बता दूं कि एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट का जो पद है यूपीपीसीएल के द्वारा पहली बार आया है। इससे पहले ऑफिस असिस्टेंट के पद हुआ करते थे, कैंप असिस्टेंट भी हुआ करता था। अगर आप पूरे बिजली विभाग की बात करोगे तो जो भी वहां पे जैसे पावर हाउस होता है, और अगर हम ऊपर से अधिकारियों को देखेंगे तो एक्सीएन होता है, उसमें एसडीओ होते हैं, बड़ा बाबू होता है, छोटा बाबू होता है। तो ये जो छोटे बाबू यानी कि जो लोअर क्लर्क की बात करें, इसी क्लर्क की एक पोस्ट है। अभी तक ये ऑफिस असिस्टेंट, कैंप असिस्टेंट इन सब के नाम से जाना जाता था। कैंप असिस्टेंट बेसिकली स्टेनोग्राफर का होता है, लेकिन और अगर हम असिस्टेंट की बात करें, तीन प्रकार की होती है, जैसे बिलिंग जो अकाउंट असिस्टेंट होते हैं, बिलिंग असिस्टेंट होते हैं और आपके जनरल असिस्टेंट होते हैं, उन तीनों की कैटेगरी सम्मिलित करके इस पोस्ट को बनाया गया है और 1033 पद इस बार आए हैं, बहुत अच्छा पद है। खैर, हम लोग सबसे पहले आते हैं कि इसका एग्जाम का पैटर्न क्या है। तो पैटर्न के बारे में आप लोग सभी लोग जानते होंगे, मैं इतना बता दूं कि दो पार्ट में पेपर होगा। पार्ट ए जो होगा, पार्ट वन जो होगा, ये किसका होगा, ये कंप्यूटर का होगा, और ये 50 क्वेश्चन आपके पूछे जाएंगे। 50 क्वेश्चन में 20 मार्क्स आपका लाना बहुत ज्यादा जरूरी है। निगेटिव भी 1/4 का है, तो इसमें बच्चे बहुत ज्यादा क्या होते हैं, बाहर होते हैं। और अगर हम सिलेबस की बात करें तो सिलेबस भी इसका बहुत वेस्ट है। अगर आप इसे तैयारी करने में आ जाओगे तो पूरा का पूरा कंप्यूटर बहुत विधिवत तरीके से पढ़ना पड़ेगा, और यही तो यहाँ पे लॉजिक होनी चाहिए कि आखिर इन सब टॉपिक को हम कवर कैसे करें। ये जो मैं आपके लिए टॉपिक लेके आया हूँ, सिलेबस लेके आया हूँ, ये वही टॉपिक्स हैं जो आपके अभी तक, चाहे ऑफिस असिस्टेंट का पेपर हो, चाहे आपका कैंप असिस्टेंट का पेपर हो, दोनों ही पेपर में 50-50 क्वेश्चन की कंप्यूटर कंपलसरी पूछती आई है। इससे पहले जब 2018 में आया था तो वहाँ पे 25 क्वेश्चन क्वालिफाइंग मार्क्स था, लेकिन बाद में उन्हें क्या करना पड़ा था, उस नोटिफिकेशन को निरस्त करना पड़ा था, और बाद में उसमें 20 मार्क्स क्वालिफाइंग हुआ था। तो 20 मार्क्स लेना भी, लाना भी अपने आप में चैलेंजिंग है आउट ऑफ 50, जब 1/4 आपकी क्या होती है, निगेटिव होती है। टॉपिक को देखा जाए तो इसमें हार्डवेयर के क्वेश्चन पूछते हैं, बहुत अच्छा हार्डवेयर का क्वेश्चन पूछता है। पिछली बार ही क्वेश्चन पूछा गया था कि ऐसा कौन सा है कि वहाँ पे यूजर और हार्डवेयर से रिलेटेड क्वेश्चन को बहुत कॉन्सेप्चुअल बनाया गया था। फुल फॉर्म एब्रीविएशन पूछ लेता है, जैसे आपका यूपीसी का पिछली बार फुल फॉर्म पूछ लिया था, यूपीएस हो गया, एचटीएमएल हो गया, एचटीटीपी हो गया, इन सब के आपके फुल फॉर्म पूछ लेते हैं। एमएस वर्ड में बहुत ही डीप से पूछता है, और सबसे ज़्यादा क्वेश्चन जो प्रीवियस अगर पेपर में देखा जाए तो पावर पॉइंट से पूछा गया है। लेकिन ऐसा नहीं है कि अगर एक पेपर में पावर पॉइंट से पूछा गया तो दूसरे पेपर में ही पावर पॉइंट से ज़्यादा पूछा जाएगा। पूरा आपका, ये एमएस वर्ड की बात नहीं कर रहा हूं, ये पूरा है ना, मैं वर्ड की नहीं, एमएस ऑफिस की ही बात कर रहा हूं,
है ना, इस वर्ड को हटा के पूरा एमएस ऑफिस की ही बात कर लो, और एमएस ऑफिस में आपका वर्ड भी आ जाता है, आपका पावर पॉइंट भी आ जाता है, एक्सेल भी आ जाता है, एक्सेस से कम क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और पेंट, ये सारी चीजें आपके लिए ज्यादा जरूरी होती है। लेकिन इसमें आपकी शॉर्टकट कीज भी पूछे जा रहे हैं, इसमें आपके एक्सेल के फॉर्मूला भी पूछे गए हैं, इसमें आपके जो पेज का लेआउट है वो भी पूछा गया है, एमएस वर्ड से प्रिंटिंग वगैरह जैसे गटर मार्जिन वगैरह से भी क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो डीप से क्वेश्चन पूछता है। और नेटवर्किंग की बात करें तो यहाँ पे भी काफी अच्छे क्वेश्चन पूछते हैं। विंडोज रिलेटेड काफी क्वेश्चन पूछा है, जैसे रन कमांड करने के लिए शॉर्टकट की क्या होना चाहिए, अगर विंडोज होता है तो वो बैकग्राउंड में चलता रहता है, ऑपरेटिंग सिस्टम को चलाता है, विंडोज और हार्डवेयर का कॉन्फिगरेशन कैसे करता है, ऐसे टाइप के क्वेश्चन बहुत विधिवत बहुत कॉन्सेप्चुअली पूछे गए हैं, जिनके बारे में डीप नॉलेज आपको होना जरूरी है, हल्के में नहीं ले सकते। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से भी क्वेश्चन पूछा है, अब प्रोग्रामिंग लैंग्वेज मतलब ये नहीं कि सी सी प्लस प्लस से पूछा है, एक दो क्वेश्चन जावा स्क्रिप्ट के क्वेश्चन देखे गए हैं, लेकिन ऐसा हो भी सकता है कि बेसिकली आपके कुछ जैसे असेंबली लैंग्वेज हो गया, मशीन लैंग्वेज हो गया, असेंबली लैंग्वेज के क्वेश्चन पिछली बार भी पूछा गया था, इस बार भी पूछा जा सकता है, तो लैंग्वेज की जो बेसिक है वहां से पूछा जाएगा। अब ऐसा नहीं कि सी सी प्लस प्लस का आपका कमांड पूछ ले, है ना, प्रिंटअप पूछ ले, या फिर आपका वहां पे इफ एल्स लूप पूछ ले, ऐसा कुछ नहीं है, बट ये बेसिक पूछेगा, असेंबली लैंग्वेज हो गया, मशीन लैंग्वेज हो गया, जावा हो गया, उनकी बेसिक चीजें हैं, जो नए प्रोग्राम्स हैं जैसे पीएचपी वगैरह हो गया, इन पे भी बेसिक क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ईमेल पे अच्छा क्वेश्चन पूछा गया है, बीसीसी का यूज होता है ईमेल में, या फिर उनके प्रोटोकॉल से क्वेश्चन पूछे गए हैं, और प्रोटोकॉल से बात किया जाए तो एचटीटीपी आईपी सभी से बहुत डीपली क्वेश्चन पूछे गए हैं। शॉर्टकट कीज मैंने आपको बताया, एमएस ऑफिस में भी पूछा गया है, उसके बाद आपका जनरल विंडोज में भी पूछा गया है, प्रिंट कमांड से भी पूछा गया है, कई सारे हर अलग अलग सेक्टर से शॉर्टकट कीज से क्वेश्चन पूछा गया है, इंटरनेट ब्राउजर से भी बहुत अच्छे क्वेश्चन पूछे हैं। और उसके बाद जैसे मैंने बोला कि जावा स्क्रिप्ट, तो ये आप लैंग्वेज में भी ले सकते हो, लेकिन जावा स्क्रिप्ट को मैं अलग से टॉपिक बना के यहाँ पे दिखा रहा हूँ। प्रिंटिंग कमांड से क्वेश्चन पूछा है, मेमोरी से क्वेश्चन पूछा, और यही नहीं नंबर सिस्टम और न्यूमेरिकल गेट से जैसे एंड गेट, और गेट, एक्सऑर गेट, इन सबसे क्वेश्चन पूछा है। तो कहीं ना कहीं आपको बेसिक ए से लेकर जेड तक आपको कंप्यूटर में तैयारी करनी है, और कहां से तैयारी करनी है आप देखो, सबसे बड़ी बात है कि अभी तक इसके बहुत ज्यादा पेपर, बहुत ज्यादा साक्ष्य आपको मिलेंगे नहीं, क्योंकि ये जनरल पेपर हर साल होता नहीं है। 2018 में या 2021-22 में फिर से वैकेंसियां चल रही हैं इसकी, अभी आपका हाल ही में कैंप असिस्टेंट का पेपर हुआ है, फिर से आपको ऑफिस असिस्टेंट या एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट का बोलते फिर से पेपर आया है, और ये कहीं ना कहीं अगर नोटिफिकेशन को देखें तो नोटिफिकेशन में 1% का भी चेंज नहीं है। इसका साफ साफ मतलब ये भी है कि इसके पेपर पैटर्न में भी, सिलेबस में भी कोई चेंज नहीं आएगा। लेकिन मैं आपको बता दूं कि अगर पूरे हम पैटर्न की बात करें तो केवल कंप्यूटर वाला पार्ट बैलेंस्ड पूछ रहा है, बाकी सारे पेपर अनबैलेंस्ड है। जैसे पार्ट टू की बात करें तो पार्ट टू में आपके 4 पार्ट है, एक तो आपका जीएस है जो आपके 25 क्वेश्चन का पूछा जा रहा है, उसके बाद फिर आपका क्या है रीजनिंग है, और ये कोर रीजनिंग है, रीजनिंग में आपका ये 45 क्वेश्चन का पूछा जा रहा है, उसके बाद आपका हिंदी है, और फिर आपका ये 55 क्वेश्चन, और इंग्लिश भी जो है आपका ये भी आपके 55 क्वेश्चन है। अब सबसे ज्यादा जो बच्चे परेशान हो रहे हैं वो हो रहे हैं 55 क्वेश्चन इस इंग्लिश के लिए और 50 क्वेश्चन इस कंप्यूटर के लिए। देखो ये मार्क्स आपका जुड़ेगा नहीं, ये क्वालिफाइंग है, लेकिन यहाँ पे जो 180 क्वेश्चन यहाँ पे बन रहा है इसके आधार पे मेरिट बनेगी, और इसका कट ऑफ भी अगर हम 2018 वाले का देखें तो 180 में से 128.35 आपका क्या गया था, कट ऑफ गया था। इस बार वैकेंसी थोड़ी सी अगर देखा जाए, पिछली बार लगभग 2000 वैकेंसी थी, इस बार वैकेंसी थोड़ी सी कम है, लेकिन अगर यहां पे देखें तो कट ऑफ पे बहुत ज्यादा अंतर नहीं पड़ेगा। अगर पेपर उसी लेवल का हुआ तो 180 में से 130 135 मैक्सिमम जाएगा, और ये एक डुएबल कट ऑफ है, डुएबल मतलब जो लीस्ट बच्चा सिलेक्टेड है उसकी बात किया जाए। थोड़ा सा यहाँ पे आपको मैं बता दूं, टाइपिंग वाला मैं अलग से भी बताया हूं, टाइपिंग में आपको हिंदी जो है अनिवार्य है, हिंदी टाइपिंग ठीक है, उसके बाद अगर कोई इंग्लिश टाइपिंग भी करता है 35 वर्ड पर मिनट के हिसाब से तो उसे 20 नंबर बोनस मिलते हैं। बस आप टाइपिंग कर लो, 35 वर्ड इसका 30 वर्ड पर मिनट है, और इसका कितना है 35 वर्ड पर मिनट है, इसको मैंने जानकारी अलग से भी दी है, वीडियो आप अच्छे से देख लीजिएगा। तो अगर आप इंग्लिश कर ले तो अगर हिंदी में फेल हो गए तो आपका पूरा कैंसिल हो जाएगा, सेलेक्ट ही नहीं हो पाओगे, और अगर आप हिंदी कर ले तो उसके बाद इंग्लिश करते हो तो आपको 20 नंबर एक्स्ट्रा मिल जाएंगे, हिंदी कर ले तो इंग्लिश नहीं करते हो तो 20 नंबर नहीं मिलेगा। तो कोई हिंदी सीख लिया है तो इंग्लिश कर ही लेगा, कृतिदेव हिंदी में है, यहाँ पे थोड़ा मंगल फॉन्ट वाले बच्चे अभी आज के समय में ज्यादा है, लेकिन थोड़ा सा आपको समय मिल जाएगा। अगर ऐसा देखो कि पहले आपका रिटन पेपर होगा, रिटन पेपर में पार्ट 1 पार्ट 2 दोनों
एक साथ होगा, टोटल 3 घंटे का पेपर होगा। तो वहां से आपको एनालिसिस आपको बनाते रहना, स्ट्रेटेजी बनाना है, और टाइपिंग के लिए घबराओ मत, उसके लिए भी 1.5-2 महीना मिलेगा। तो 2 महीना आपका भी पेपर का है, मिड अक्टूबर में आपका पेपर होगा, उसके बाद 1.5 महीना मिलेगा, मतलब 3.5 से 4 महीना मिनिमम आपके पास टाइपिंग के लिए है। अगर आप आज से लग जाओगे तो कुर्सदेव फाउंड, अगर आपको मंगल आती है, आपकी उंगलियां सेट हैं, तो कुर्सदेव में ज्यादा दिक्कत नहीं आएगी। हालांकि थोड़ा उसमें पैटर्न अलग है, बट आप कर ले जाओगे। हालांकि स्ट्रेटेजी पार्ट पे आते हैं, तो ये आपका कंप्यूटर मैंने बता दिया। पार्ट 2 में जीएस रीजनिंग हिंदी और इंग्लिश है, और इसमें एक बार हम सिलेबस का डिस्कशन पहले कर लेते हैं। तो जीएस में इकोनॉमिक्स भी पूछ रहा है, जनरल अवेयरनेस यहाँ पे सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछा जा रहा है, और करंट, इन दोनों पार्ट से ही 25 क्वेश्चन में कम से कम 12 से 13 क्वेश्चन आपका यही दोनों पार्ट कवर कर रहे हैं, जनरल अवेयरनेस और करंट अफेयर्स। बाकी हिस्ट्री के 1-2 क्वेश्चन देखने को मिले, ज्योग्राफी के 1-2 क्वेश्चन, साइंस के 1-2, पॉलिटिक्स के 1-2, और कंप्यूटर का भी 1-2 क्वेश्चन देखने को मिल जाता है। कंप्यूटर एक क्वालिफाइंग आपका अलग से भी है, बट इसमें भी 1-2 क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा। तो अगर हम देखें तो 12-13 क्वेश्चन 25 में से 50% तो केवल ये दो टॉपिक कवर करेगा, जीए या इसे जीके बोल दें, और उसके बाद बाकी सारे क्या कवर कर रहे हैं। अच्छा, एक चीज यहां पे समझना, क्योंकि इसका जो पेपर है वो कराता कौन है, पेपर एजेंसी है टीसीएस। तो टीसीएस जनरल नॉलेज के मामले में, जीएस के मामले में थोड़ा सा कमजोर भी बोल सकते हो, और ऐसा बोल सकते हो कि वो किसी आयोग के पैटर्न पे नहीं चलता, उसका खुद का पैटर्न होता है। यहाँ पे बच्चे तंग होते हैं। तो अगर आप इस पेपर को, इस एग्जाम को निकालना चाह रहे हो, तो यहाँ पे आपको थोड़ा एक्स्ट्रा जीएस के लिए एक्स्ट्रा कॉन्शियस होना पड़ेगा। यहाँ पे आपको बहुत संभाल के कदम रखना पड़ेगा, और समय अपना कम वेस्ट करना है। बहुत ज्यादा समय देने की जरूरत नहीं। अगर आपको ज्यादा पढ़ना है तो जनरल अवेयरनेस और करंट को अच्छे से पढ़ो, यहाँ पे आपके 50% कवर हो जाएंगे। और अगर मैं कह रहा हूं कि इस 25 क्वेश्चन में से आप ज्यादा टारगेट मत करो, 25 में 25 कोई नहीं ला पाएगा, देखो कोई नहीं ला पाता है, और टीसीएस के जीएस में तो कोई भी नहीं ला पाता है। ये बहुत बड़ा अनुभव मेरा खुद का है। हालांकि अगर आप अच्छे से प्रैक्टिस करोगे तो यहाँ पे आपका करीबन 20 क्वेश्चन तो आराम से डुएबल कर सकते हो। मैं बहुत ज़्यादा अतिशोक्ति ना बोलूँ तो 15 से 20 इस 25 क्वेश्चन में से आपसे आसानी से हो सकते हैं, जहाँ पे 12-13 क्वेश्चन केवल जनरल अवेयरनेस और आपका क्या हो जाएगा, करंट अफेयर्स का हो जाएगा। हिस्ट्री, ज्योग्राफी, साइंस, पॉलिटी और इकोनॉमिक्स, इनके भी क्वेश्चन स्टैटिक की तरह होते हैं, कोई डीप कॉन्सेप्ट नहीं होता, कोई स्टेटमेंट वाइज नहीं होता, कोई कूट नहीं होता, कोई मैचिंग नहीं होती, बहुत जनरल फैक्ट, बहुत बेसिक चीज़ें। अगर आपको जीएस तैयार करना है तो हर, जैसे हिस्ट्री करना है तो हिस्ट्री में आप केवल लड़ाइयाँ तैयार कर लो, मॉडर्न इंडिया में तैयार करना है तो आप न्यूज़पेपर पत्रिकाएँ कौन है इसे आप अच्छे से पढ़ लो, है ना। मुगल में आप ये देख लो कि कौन डायनेस्टी के कौन शासक थे, कब से कब तक उनका था, और उसके बाद आप एंशिएंट में जाते हो तो आप बुद्ध, जैन और आपके जो बेसिक वैदिक चीजें हैं इनसे आप पढ़ लो, बाकी बहुत ज्यादा आपका डीप नहीं पूछता है, 1-2 क्वेश्चन पूछेगा। ऐसे आप अगर ज्योग्राफी तैयार करते हो तो बहुत वर्ल्ड ज्योग्राफी तैयार करने की जरूरत नहीं है, इसमें आप केवल इंडियन ज्योग्राफी तैयार कर लोगे तो आपका बहुत विद्वत तरीके से कवर हो जाएगा। सिमिलरली साइंस है, साइंस में आपको बायो वाले पार्ट में ज्यादा ध्यान देना है, न्यूट्रिशन वाले पार्ट पे यहां से क्वेश्चन ज्यादा बनते हैं। पॉलिटी में अगर आपको 1 से लेकर 100 तक अनुच्छेद के बारे में पता है, बाकी आप उसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड के बारे में नहीं पूछता, ना ही कोई लॉजिकल क्वेश्चन पूछता है, बहुत जनरल फैक्टर पूछता है कि फंडामेंटल राइट से पूछ लेगा, आर्टिकल 21A से पूछ लेगा, राष्ट्रपति से पूछ लेगा, या फिर आपका प्रधानमंत्री से पूछ लेगा, या फिर ज्वाइंट सेशन हो गया, मनी बिल हो गया, इनसे क्वेश्चन बहुत बेसिक पूछता है। तो अगर जीएस की बात करें तो इसके लिए अभी पेड कोर्स में मैंने दिया भी है आपको, इसीलिए जीएस की एक बहुत कंबाइन सामग्री दी है 164 पेज का, इसके लिए परेशान नहीं होना है। आप ये पूछते हो कि सर बुक्स क्या होनी चाहिए, तो मैं आपको इतना बोलूंगा कि जो हमने जीएस के लिए आपको 160 प्लस पेज का एक नोट्स दिया है, और मैं इतना गारंटी के साथ कर रहा हूं कि वो नोट्स आप पढ़ लो, और उसके बाद इवन जनरल अवेयरनेस के भी हम करीबन 60 से 70 पेज की, 50 प्लस पेज की एक नोट्स बना रहे हैं, है ना, वो आपको दे देंगे। इन दोनों को मतलब 210 पेज है, इसे आप अच्छे से पढ़ डालोगे और करंट आप तैयार करोगे तो मैं इतना गारंटी ले सकता हूं कि 25 में आप 20 प्लस ही स्कोर करके आओगे, इसमें आप 19 नहीं होगा, ये बात ध्यान देना। तो जीएस के लिए आपको बहुत ज्यादा भटकना नहीं है, कोई बहुत बड़ी किताबें नहीं पढ़नी है, जो आपको नोट्स में दे रहा हूं उन्हीं पे आपको स्ट्रिक्टली फॉलो करना है, मल्टीपल टाइम पढ़ना है, सारे क्वेश्चन वहीं से आने वाले हैं, इस बात की गारंटी है। ऐसे ही अगर देखा जाए तो यहाँ पे रीजनिंग का देखा जाए तो रीजनिंग का भी सिलेबस काफी है, यहाँ पे अल्फाबेट सीरीज, मिक्स्ड सीरीज से क्वेश्चन पूछा है, पिक्चर एनालॉजी से इसका बहुत प्रेम है एसएससी, क्योंकि टीसीएस एसएससी एग्जाम से कॉपी कर रहा है और टीसीएस ही करा रहा है, उसके बाद एसएससी का क्वेश्चन बैंक है। पिक्चर एनालॉजी के बहुत सारे क्वेश्चन पूछ रहे हैं, वर्ड फॉर्मेशन के है, मिक्स्ड सीरीज हो ही गया, कोडिंग के अच्छे खासे क्वेश्चन पूछा है, एनालॉजी देखो, एनालॉजी यहाँ पे भी है, पिक्चर एनालॉजी यहाँ भी अगर हम देखें तो 45 क्वेश्चन में देखा जाए तो कम से कम 15 से 17 क्वेश्चन केवल पिक्चर एनालॉजी और एनालॉजी मिला के है। 2-3 क्वेश्चन आपका कोडिंग डिकोडिंग से पूछता है, मैथमेटिकल ऑपरेटर से 1-2 क्वेश्चन, नंबर सीरीज से 1-2 क्वेश्चन, ऑड वन आउट से 5-6 क्वेश्चन है,
फिगर कंप्लीशन से क्वेश्चन है, ब्लड रिलेशन से एक दो क्वेश्चन है और मिसिंग नंबर से एक दो क्वेश्चन है। मतलब अगर इसमें भी आपको देखा जाए तो इसमें सबसे ज्यादा पार्ट कौन कौन सा है, एक एनालॉजी आप, एक पिक्चर एनालॉजी आप, और एक आपका जो सीरीज है ना, अल्फाबेट सीरीज, मिक्स्ड सीरीज और नंबर सीरीज। अगर इतना आप कर लेते हो तो 45 में से 20 से 25 नंबर केवल आपके ये तीन टॉपिक हैं, बाकी सारे एक दो होंगे। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि ये देखो मैं पिछले प्रीवियस के आधार पर बता रहा हूँ, टॉपिक आपके लिए सारे इंपॉर्टेंट है। अब किससे आपका ज्यादा पूछता है ये आपकी किस्मत और आपके उस पर डिपेंड करता है, बट फिर भी हमें इन टॉपिक को जो पूछता आ रहा है उस पर ज्यादा करना है। TCS के पैटर्न को समझना है, SSC से जो कॉपी कर रहा है उस पैटर्न को समझना है, और क्वेश्चन बैंक कहां से है उस चीज को हमें समझते हुए चलना है। तो रीजनिंग में अगर आप ये 45 है क्वेश्चन पूछता है, और मैं इतना बोलूंगा कि जितना आशीष सर आपको पढ़ा रहे हैं बैच में, इतना अगर आप अच्छे से पढ़ लिए तो मैं ये 45 में 45 करने वाला सब्जेक्ट है, लेकिन फिर भी मैं बोल रहा हूँ कि आप 40 प्लस का टारगेट आज से लेके चलो। अगर आपकी उसमें करना क्या है, एक छोटा सा कॉन्सेप्ट, अगर कॉन्सेप्ट पे आ जाओगे तो पूरी रीजनिंग का मुश्किल से 10 से 15 क्लास में कॉन्सेप्ट आपका तैयार हो जाएगा, मैक्सिमम 20 क्लास, 20 घंटे में आपका कॉन्सेप्ट तैयार हो जाएगा। फिर आप जितनी प्रैक्टिस कर लोगे, जितना टेस्ट दे लोगे, टेस्ट की बात आती है तो मैं आपको यहाँ पे बता दूं कि जो टेस्ट है ये परीक्षा प्लस आपका परीक्षा प्लस ऐप से ही टेस्ट सीरीज इसकी लॉन्च की जाएगी, कोर्स में ही आपको दिया जाएगा, हो सकता है अलग से भी लॉन्च किया जाए, बट जो आपकी कोर्स अभी चल रहा है पेड कोर्स में उसमें ही आपको पर्याप्त आपको जितना हो सेक्शनल टेस्ट भी करवा दिया जाएगा प्रैक्टिस, और आपको फुल लेंथ भी टेस्ट का प्रैक्टिस करवा दिया जाएगा। तो अगर इतना कर लेते हो तो 40 प्लस यहां से गेन कर लोगे। उसके बाद आता है हिंदी। अब हिंदी में भी आप देखो तो इसमें मुहावरे से सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछा है, यकीन नहीं मानोगे, अगर हम 55 क्वेश्चन में से लें तो इसमें से 17 से लेकर 20 क्वेश्चन केवल मुहावरे से है, और मुहावरे से क्वेश्चन सबसे ज्यादा पूछना, इसका मतलब हिंदी में नंबर अचानक से बूस्ट करना होता है। उसके बाद तत्सम तद्भव के भी 2-3 क्वेश्चन मिले हैं, उपसर्ग के भी 1-2 मिले हैं, खाली स्थान, क्योंकि SSC क्या करता है, SSC जैसे इंग्लिश को उठाता है वैसे ही हिंदी को भी उठाता है, तो हिंदी में वो खाली स्थान पे रिक्त स्थान की पूर्ति और खाली स्थान, ये बहुत जबरदस्त इससे क्वेश्चन पूछते हैं, काफी संख्या में क्वेश्चन पूछते हैं, तो इस पे भी आपको अच्छी प्रैक्टिस करनी है। बाकी पर्यायवाची विलोम 5-5, 6-6 क्वेश्चन इससे होते हैं, विपरीत अर्थक, अगर विलोम और विपरीत अर्थक देखा जाए, मतलब दोनों सेम चीज है, बट फिर भी इन दोनों का वेटेज करीबन 10 क्वेश्चन का जा रहा है और पर्यायवाची 4-5 क्वेश्चन पूछा जा रहा है। कर्ता से क्वेश्चन पूछ रहा है, अशुद्धि से पूछ रहा है, क्रिया से पूछ रहा है, विशेषण विशेष से क्वेश्चन पूछ रहा है, मतलब इसमें आपको संधि, समास, रस, छंद, अलंकार पे उतना वेट दिमाग नहीं लगाना है। हालांकि ये सिलेबस में जनरल हिंदी लिखा है तो पूछ भी सकता है, बट क्योंकि उसका पैटर्न ये है तो हमें इन टॉपिक को ज्यादा कवर करना है। हिंदी में भी अगर देखा जाए तो 55 क्वेश्चन में से 50 प्लस आप अच्छे से स्कोर कर सकते हो। अब आती है इंग्लिश। मैं जान रहा हूं आप हिंदी भाषी क्षेत्र से बिलोंग कर रहे हो और कहीं ना कहीं यहां पे दिक्कत भी होती है, तो इंग्लिश के लिए आपको परेशान नहीं होना है, हनीफ सर आपको इंग्लिश कवर करवा रहे हैं, और सबसे अच्छी बात है क्योंकि ये TCS करवा रहा है और ये SSC पैटर्न पे करवा रहा है, तो आप देख भी सकते हो कि केवल फिलर के वोकैब बेस्ड और ग्रामर बेस्ड करीबन इस 55 क्वेश्चन में से 20 प्लस क्वेश्चन केवल फिलर के पूछे जा रहे हैं। फिर आपके ईडम और प्रोवर्ब के, और जैसे ईडम हिंदी में मुहावरे में पूछ रहा है, इसमें ईडम और प्रोवर्ब में ज्यादा पूछ रहा है, तो इंग्लिश की कॉपी हिंदी होती है, पैटर्न लगभग सेम होता है। अगर ये चार टॉपिक आप शुरुआत के पढ़ लोगे तो यहीं पे आपके 30 नंबर अच्छे से बढ़ जाएंगे। अब इसके लिए लेकिन फिलर ग्रामर करने के लिए आपको पूरी ग्रामर पढ़नी पड़ेगी, पार्ट ऑफ स्पीच भी पढ़ना पड़ेगा, आपको टेंसेस भी पढ़ना पड़ेगा, यही नहीं आपको नरेशन और पैसिव वॉइस से भी क्वेश्चन अच्छे खासे पूछे गए हैं, पंक्चुएशन भी आपसे पूछा जा रहा है, सिनोनिम्स एंटोनिम्स। तो अगर देखा जाए तो पूरे 55 क्वेश्चन में से है ना दो पार्ट में डिवाइड किया जाए, एक आपका वोकैब्स एक आपका ग्रामर, तो वोकैब्स आपका करीबन 35 प्लस क्वेश्चन कवर कर रहा है और ये करीबन 30 प्लस क्वेश्चन ग्रामर कवर कर रहा है। तो वोकैब्स को भी अच्छे से पढ़ते चलो, ग्रामर को भी अच्छे से पढ़ते चलो। वोकैब्स कहां से पढ़ना है, इसके लिए मैंने आपको दो चीजें दे दी है, एक आपको क्या दे दिया है, वोकैब बुक दे दिया है, इससे आप अच्छे से पढ़ लो, दूसरा आपको मैंने ग्रामर की भी किताब दे दी है ना, ये भी आपका उसी कोर्स में मिल रहा है, तो ये अभी मैं किताबें आपको दिखा दे रहा हूं, तो ये दोनों ही आप क्या कर सकते हो, यहां से पढ़ सकते हो। एक बार मैं आपको दिखा ही दूं, ये सारी किताबें हैं जो आपके इस स्पेशल कोर्स के लिए डिजाइन की गई, सामान्य हिंदी हो गई, सामान्य अध्ययन हो गया, उसके बाद ये देखो सामान्य अंग्रेजी, अंग्रेजी के दो पार्ट है, एक आपको अंग्रेजी है, एक आपका वोकैब बुक है, उसके बाद कंप्यूटर ज्ञान की अलग किताब रहेगी और तार्किक ज्ञान की अलग किताब रहेगी। तो ये किताबें आपको दी जा रही, किताब का भी मैं डेमो आपको थोड़ा सा दे दूंगा, तो आपको उससे थोड़ा सा कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। यानी कहने का मतलब ये है कि अगर इंग्लिश आपको तैयार करनी है तो आपको इतना करो कि बस जो आपको हनीफ सर अच्छे से पढ़ा रहे हैं आप इन नोट्स को पढ़ लो, और सबसे जरूरी जो है, सबसे जरूरी है आपके लिए जो प्रैक्टिस, और प्रैक्टिस कहाँ से करना है, तो ये प्रैक्टिस आप करो
एसएससी के क्वेश्चन बैंक से। एसएससी का क्वेश्चन बैंक मतलब एसएससी सीजीएल का पेपर होता है, सीएचएसएल होता है, एमटीएस होता है। किरण की किताब ले आओ, आप वहां से प्रैक्टिस करो। जो बच्चे सेल्फ स्टडी की तैयारी करना चाह रहे हैं, खुद से तैयारी करना चाह रहे हैं, उनके लिए भी मैं बता रहा हूं कि प्रैक्टिस के लिए आपके लिए सबसे ज्यादा रामबाण जो साबित होने वाला है वो कौन है, एसएससी के प्रीवियस ईयर ही, क्योंकि हो सकते क्वेश्चन एज इट इज वहां से आपको मिल जाए, वो अलग से क्वेश्चन फ्रेम करने नहीं जाते हैं। क्वेश्चन कॉपी पेस्ट होता है, सबसे ज्यादा क्वेश्चन बैंक एसएससी के पास है, तो वहीं से क्वेश्चन आपके बनेंगे। तो अगर इंग्लिश में मैं आपको बहुत सेफ लेके चलूं कि 55 में बहुत ज्यादा स्कोर नहीं कर पाओगे, आप केवल 35 प्लस टारगेट लेके चलो, तो यहीं पे आप देख लो कि कंप्यूटर जुड़ेगा नहीं। आप जीएस में 15 से 20 आप स्कोर कर लो, उसके बाद आपका रीजनिंग है, इसमें आप फुल जहां पे आपका स्ट्रांग है रीजनिंग में मैक्सिमाइज करने का प्रयास करो, 40 से 45 के बीच में जो भी नंबर आ जाए आउट ऑफ 45। उसके बाद आपका हिंदी में भी मैक्सिमाइज करने का प्रयास करो, ये भी आप 55 क्वेश्चन में से 50 प्लस करने का प्रयास करो, और इंग्लिश में अगर आप 35 प्लस भी कर लेते हो तो आप टोटल जोड़ लो मिनिमम 50, 30, 85, 85 और 40, 125 हो जाएगा, और 15 यानी 130, 140 क्वेश्चन तो आप मिनिमम कर रहे हो 180 में से। पिछली बार कट ऑफ कितनी गई थी, 128.5 गई थी, इसका मतलब आप उससे 12 से 15 क्वेश्चन ऊपर हो। एक्यूरेसी आपकी अच्छी होनी चाहिए, मैं ये तो नहीं कह रहा हूँ कि केवल इतने ही क्वेश्चन करके आओगे, करके तो आप सारे के सारे आओगे, 1/4 निगेटिव है तो आप 180 में से 180 पूरा अटेम्प्ट करो। उसके बाद 20 नंबर जो आपका बोनस मिलेगा वो आपको ज़्यादा बूस्ट कराएगा। हालांकि पिछली बार जो 200 में से कट ऑफ बना था वो 152 समथिंग बना हुआ था, लेकिन इस बार कट ऑफ थोड़ा सा ज़्यादा जा सकता है, जो 155-160 के बीच में समझ सकते हो 200 में से 1033 पद के लिए। बट ये नंबर लाना बहुत आसान है, क्योंकि 20 नंबर तो उधर 160 में मान के चलूँ तो 160 में 20 नंबर तो आपका अलग है, ये केवल 140 लाना है। अगर इस स्ट्रेटजी पे काम कर लिए तो मिनिमम आपका 140 यहाँ पे आ रहा है, अगर आप मैक्सिमाइज जोड़ लोगे तो आराम से ये 140 से 150 आउट ऑफ 180 आप स्कोर कर सकते हो। लेकिन मैं फिर से बोल रहा हूँ कि किसी चीज़ की तैयारी करने से पहले ये आपके पास बहुत विधिवत सोच समझ के करना चाहिए कि हाँ भाई समय भी आपके पास है, केवल 2 महीने समय है, मिड अक्टूबर में आपका पेपर हो जाएगा। अब इसमें आपकी मर्जी है, पर्याप्त आप लोग समझदार हो, 21 से 40 उम्र वाले सारे पेपर दे रहे हैं, आपको बताने की आवश्यकता नहीं। आप चाहो तो बड़ी बड़ी किताबें लेके मंगो, या फिर आप क्या करो कि जो एक बहुत जबरदस्त नोट्स केवल इस कोर्स के लिए बनाया जा रहा है, जो प्रीवियस पेपर की एनालिसिस की जा रही है, जो प्रैक्टिस सेट इस पे बनाया जा रहा है, आप उसके बदौलत अच्छे से आप कम समय में तैयारी कर लो। अगर आपके पास समय ज्यादा होता तो मैं बिल्कुल बोलता कि आप यहां पे क्या कर लो, प्रैक्टिस आप कर लो। ये देखो जैसे कंप्यूटर का है, तो ये कंप्यूटर में आपको बहुत विधिवत नोट्स दिए जा रहे हैं, ये आपको पूरा एक एक डायग्राम से रिप्रेजेंट कराया जा रहा है, एक एक चीज़, कोई भी चीज़ आपका छूटेगा नहीं। सिमिलरली ऐसे इंग्लिश के नोट्स हैं, सिमिलरली आपके रीजनिंग के नोट्स हैं, और ऐसे ही आपके हिंदी के भी नोट्स हैं, सब कुछ बहुत प्रॉपर तरीके से मिलेगा। तो मैं इतना बोलूँगा कि आपको अंततः अगर यहाँ पे आप फॉर्म भर दिए हो, आज से आपके फॉर्म भरना चालू हो गए हैं, तो इतना आप जरूर करो कि क्योंकि परीक्षा प्लस अभी हमेशा के लिए, देखो मैं क्या कर सकता हूँ आपके लिए, मैं आपके लिए बहुत अच्छी स्ट्रेटजी बना सकता हूँ, मैं आपके लिए इतना कर सकता हूँ कि भाई बता दूँ कि कहाँ पे क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है, मैं आपके लिए बहुत अच्छा कंटेंट ला सकता हूँ दिन रात जाग के मेहनत करके, एक जो कंसाइज मैटर हो सकता है भाई मैं ये भी बोल दूँ कि आपको 1500 पेज का नोट्स दे दूँ, 2000 पेज का नोट्स दे दूँ, मैं ये भी बोल दूँ कि आपको 200 पेज का नोट्स दे दूँ, तो 200 पेज के नोट्स में आपका सिलेक्शन हो जाए। एक बात समझना, टॉपर बनने की आवश्यकता नहीं है, कोई वहाँ पे नोबल प्राइज नहीं मिलेगा, अगर आप जस्ट कट ऑफ के ऊपर भी चले जाते हो तो भी आपका सिलेक्शन हो जाएगा। और सबसे अच्छी बात है कि इसमें सैलरी बहुत अच्छी है, अभी जो बच्चे हमारे साथ के जॉब कर रहे हैं TG2 TG3 में, उनकी अभी सैलरी देखा जाए तो 48,000 सैलरी बन रही है, कटने पिटने के बाद भी 37,000-38,000 इन हैंड सैलरी आ रही है, मात्र 1.5 से 2 साल के जॉब में, 3 साल के जॉब में इतना जबरदस्त सैलरी आ रही है। तो अगर आप 50,000 3 साल के जॉब में पहुंच जा रहे हो, स्टार्टिंग आपकी 35,000 से स्टार्ट हो रही है, तो नो डाउट आपकी ये बहुत अच्छी जॉब है, इसमें आप चांस मत लो। परीक्षा प्लस ऐप आप डाउनलोड कर लो, ये आपका सिंबल रहेगा गूगल प्ले स्टोर से, और वहां से आप कोर्स से जुड़ सकते हो। हालांकि ये स्वैच्छिक है, मैं आपको थोड़ा सा कोर्स के बारे में इतना बता देता हूं, कि ये आपकी मर्जी है, जुड़ो या ना जुड़ो, क्या मिल रहा है इस कोर्स में, आपको सारे के सारे लाइव क्लासेस दिए जा रहे हैं, और प्लस आपको इसी का रिकॉर्डेड दिया जा रहा है जो आप डाउनलोड भी कर सकते हो। साथ में ही आपको सारे नोट्स जो मैं आपको दिखाया बहुत प्रॉपर तरीके मिल रहा है, सारे टेस्ट मिल रहे हैं, और एक बहुत विधिवत स्ट्रेटजी है ना, जो आपके समय समय पर मार्गदर्शन, जूम मीटिंग हर तरीके से आपके साथ रहेगी पूरी की टीम, ये आपको। और सबसे बड़ी बात है कि 3000 का कोर्स ये आपको केवल 599 में अवेलेबल हो रहा है। तो अगर आप
फॉर्म भर रहे हो, तैयारी करने को सोच रहे हो, तो बिल्कुल इतने, और देखो ये स्वैच्छिक है, आप खुद से भी तैयारी कर सकते हो, लेकिन मैं इतना बोलूंगा कि जब आप किसी टीम से जुड़ते हो, किसी संस्था से जुड़ते हो और वो संस्था उसी के लिए डेडिकेटेड है, हमने सुप्रीम कोर्ट में भी किया, हमने हाई कोर्ट आर ओ आर ओ में भी किया, हमने यूपीएसआई एएसआई में भी किया, और सब में एक बहुत अच्छा रिजल्ट, बहुत अच्छा पेपर में एज इट इज फंसा के दिखाया है क्वेश्चन, और एक बार फिर हमें जिम्मेदारी ले रहे हैं, इतना अगर आप थोड़ा सा विश्वास करते हो तो आपको ये नंबर हम दिला के रहेंगे। तो उम्मीद है कि ये सेशन आपके लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण रहा होगा, बहुत ज्यादा समझ में आया होगा। यदि आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लो, और अगर आपके कोई क्वेश्चन है तो आप हमसे कमेंट बॉक्स में पूछ भी सकते हो। इसी के साथ मैं विदा लेना चाहूंगा, बहुत बहुत धन्यवाद सभी का, धन्यवाद।